आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर्मूला। तो फॉर्मूला की कैटेगरी में हम थर्ड कैटेगरी का फॉर्मूला कर रहे हैं। पहले कैटेगरी में हमने आपको इफ कंडीशंस के बारे में बताया, लॉजिकल कंडीशंस। सेकंड में हमने आपको टेक्स्ट फॉर्मूला कवर किया। आई थिंक सेकेंड कैटेगरी ही चल रही है, माफ कीजिए मैं गलत बोल गया। सेकेंड कैटेगरी का लास्ट फॉर्मूला एक रैप फॉर्मूला है, जिसको बारे में बताया थे, हम आपको बताएंगे आगे की क्लासेस में। तो चलिए हम आपके साथ डिस्कस करते हैं रैप फॉर्मूला का। रैप फॉर्मूला जो कि हमने लास्ट क्लास में बताया था, रिपीट का फॉर्मूला होता है। किसी भी वर्ड को, टेक्स्ट को, कैरेक्टर को रिपीट करता है। जैसे हमने यहाँ पे ए लिख दिया और हमने यहाँ पे बोला कि रैप, और हमने इसको सेलेक्ट करके कॉमा वाला कि फाइव टाइम्स रिपीट करते। देखिए इसका बेनिफिट्स क्या है, एक तो सिंपल हमने कॉन्सेप्ट समझा दिया। देखिए इसका बेनिफिट हम लोग डैशबोर्ड वगैरह में यूज करते हैं बहुत पहले से, तो हम थ्री जब था उसी समय से। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक नंबर्स है, यहाँ पे हम कुछ नंबर्स लिखते हैं, सेल्स फिगर है हमारे पास, सेल्स फिगर लिखते हैं। अब इसकी कंपेयरिंग के लिए कौन सा सेल का क्या पोजीशन है, आप लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर डेटा वार यूज करते हैं। अब इसमें दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम के डेटा वार 2007 ऑनवर्ड था, 2003 में हमें डेटा वार नहीं मिलते थे। दूसरा कि इस डेटा वार को हम कहीं कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि ये फॉर्मेट है और फॉर्मेटिंग को कहीं कॉल नहीं किया जा सकता। तो हमें सेम इसी तरह का फीचर्स चाहिए यहाँ पे, इसको हम कॉल कर सके। तो उसका दूसरा उपाय था कि हम लोग बार चार्ट यूज करते थे। तो बार चार्ट भी डेटा के साथ उतना लिंक नहीं हो पाता था, रिपोर्ट हम करते थे लेकिन डेटा के साथ उतना अपना तालमेल नहीं बैठा पाता था। तो हमने एक तरीका खोजा, हम यहां पे रैप का फॉर्मूला लगाया। रैप के फॉर्मूले में हमने इन्वर्टेड कॉमा में ये आपका कैरेक्टर दिया, ये आपका बैक स्पेस से पहले होता है और इक्वल के बाद होता है, और हमने बोला कि 85। तो इसने 85 टाइम और उसको रिपीट कर दिया। अब इसके ऊपर जितने भी नंबर्स उतना बार रिपीट कर देगा। ऊपर हम यहाँ पे फॉन्ट में हमारे पास एक ब्रिटैनिक बोल्ड का फॉन्ट होता है, ब्रिटैनिक बोल्ड का फॉन्ट जो हम अप्लाई करते हैं तो इस तरह का बार बन जाता है। पर ये बार काफी बड़ा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हर नंबर को एक पर्टिकुलर या एवरेज नंबर, हम लोग यहाँ पे एवरेज निकाल लेते हैं कि एक एवरेज नंबर से या एक मिनिमम नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं। हमने 5 से डिवाइड कर, तो हमारा छोटा हो जाए। राइट सर, समझ में आया आपको? इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हम टेक्स्ट कलर से लेते हैं, ग्रीन करना है। रजनीकांत जी, आप क्या जी, समझ में आया आप लोगों को? हेलो, एक बार रिपीट कर दीजिए। चलिए हमने रिपीट हम दूसरे एग्जांपल में करते हैं। अब मेरे पास मान लीजिए कि यहाँ पे यहाँ इसको कि लॉस एंड प्रॉफिट एक ही सेल में लिखा हुआ है। लॉस एंड प्रॉफिट हमने उसको एक ही सेल में लिखा है, ठीक है? तो यहां पे जो हमारा माइनस में है, कुछ प्लस में है, फिर माइनस में है, तो हम क्या कर रहे हैं यहां पे इक्वल हम रैप का फॉर्मूला लगा रहे हैं। रैप
इसको इसमें टेक्स्ट को लिया हमने टेक्स्ट, और फिर हमने अपने इस नंबर को सिलेक्ट किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एरर देगा, क्यों? क्योंकि रेफ नेगेटिव को एक्सेप्ट नहीं करता। तब यहाँ पे एवीएस का फॉर्मूला लगाया। एवीएस का फॉर्मूला क्या करता है कि पॉजिटिव को नेगेटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव रखता है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, राइट? इसको हम यहाँ 5 से डिवाइड भी कर देते हैं, और इसके ऊपर हम इटैलिक बोल्ड का फॉन्ट जो है ये फॉन्ट अप्लाई कर, आ गया। लेकिन प्रॉब्लम है सबका आना चाहता हूं, सिर्फ नेगेटिव का ही आया, पॉजिटिव का ना आया, तो इसके लिए हम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे कि इफ अगर इसके पहले वाले वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो दिखे, अदरवाइज ब्लैंक हो जाए, और फिर इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। फिर इसी फॉर्मेट को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम बस चेंज करते हैं कि ग्रेटर देन 0 हो तो जल्दी के, और इस पे भी हम इटैलिक बोल्ड का फॉन्ट अप्लाई कर देते हैं। और इसकी जो वैल्यू है इसको हम यहाँ से इस तरह से कर देते हैं, बीच में हम ये एक बॉर्डर दे देते हैं, नीचे हम एक बॉर्डर दे देते हैं, उसके बाद हम इसको जो है रेड कर देते हैं, इसकी कलर जो है हम रेड कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव है लॉस किया है, और इसकी कलर जो है हम पॉजिटिव कर देते हैं क्योंकि ये प्रॉफिट है, तो हम ग्रीन कर देते हैं। और अच्छा बेटर दिखाने के लिए मैं पेज लेआउट फॉर्म में जाऊंगा और ग्रीन बाय इसको हटा दूंगा। समझ आया आप लोगों को? रजनीकांत जी, रेशम जी, कोई डाउट इसमें? नो सर। और यहाँ भी आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कि आप भी और ज्यादा अच्छा दिखाना चाहते हो तो माइनस प्लस सिंगल कोड लगाना पड़ेगा टेक्स्ट के लिए, ठीक है? ओके सर, या यहां भी दे सकते हो आप, यहां आप कर दो लॉस, यहां आप कर दो प्रॉफिट, इसका कलर रेड कर दो, इसका कलर ग्रीन कर दो। ऐसी चीजें हम लोग अपने डैशबोर्ड्स में इस्तेमाल करते हैं। इससे एक और अगला एग्जांपल हम समझाते हैं। क्या होता है कि हमारे पास मान लीजिए कि सेल्स है 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह के सेल्स है, तो अब जैसे कि हमने लगाया तो कई सारे सेल भी इस्तेमाल किया है, हम यहीं पे चार्ट लगाना चाहते हैं इसी के अंदर, तो इंसर्ट के अंदर हमारे पास एक होता है कॉलम, लाइन भी होता है कॉलम भी होता है, तो मैं कॉलम को लेता हूं, मान लीजिए कॉलम को लिया, है ना? देखिए एक बार चार्ट यहां बन गया, बन गया ना सर? तो आप इस तरह के चार्ट हम एक्सेल में कैसे बनाए? डाउट, ये तो हमारा इंसर्ट ऑप्शन था, इसको भी हम कॉल वगैरह नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कैसा बनाए जो बीरू का वगैरह से हम कॉल कर सके आप, या फिर उसको उसकी भी आपसे कंडीशन वगैरह लगा सके, तो उस केस में क्या करें? तो उस केस में मैं यहाँ पे रैप का फॉर्मूला लगाऊंगा, रैप, और हमने इसको लिया कॉमा, हमने नंबर्स को लिया, और इसके साथ कॉन्कैटेनेट किया कैर का, कैर 1।
ताकि वो टूटे, क्योंकि टूटने के लिए हमने किया है ऐसा ट्रैप सेपरेटर के लिए. टेक्स्ट कॉमा इसको लिया एन परसेंट सी एच आर टैग एन परसेंट रैप ठीक है. वैल्यू एरर आया, हमने कहीं पे गड़बड़ की है. रैप कैर रैप कैर रैप कैर. अच्छा यहाँ पे एन परसेंट की जगह मल्टीप्लाई कर दिया है. हम डिटर्मिनिक बोल्ड का फॉन्ट देते हैं. अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं, जूम करता हूं, तो एक चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा. एक लाइनिंग आपको दिख रही होगी सर. हाँ ये लाइन दिख रही है ना, यहाँ पे लाइन दिख रही है ना. जो कैर हमने लगाया है ये लाइनिंग वो कैर है. इस कैर को अब मैं इसको यहां से रैप करता हूं, देखेंगे मैंने इसको यहां से रैप कर, तो वो उसी लाइनिंग मतलब उतने कैर से टूटा है. और फिर इसको मैं रोटेट करता हूं, रोटेट हो गया. ठीक है सर, ओके. एक नोट कीजिएगा. इस लोकेशन विच लोकेशन नो वी आर बेस्ड ऑन दिल्ली. नो लार नो प्लीज. ओके समझ में आ गया आप लोगों को कि नहीं. तो हमने आपको इसके तीन एग्जांपल दिए. पहला एग्जांपल आपके सामने है, दूसरा एग्जांपल ये है, तीसरा एग्जांपल आपके सामने हमने ये दिया. अब आप लोग इस सारे एग्जांपल को यूटिलाइज कीजिए और कुछ इससे भी बेटर बनाने की कोशिश करें. ये फाइल मैं आप लोगों को मेल कर देता हूं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में आसानी हो. ठीक है रजनीकांत जी. Okay.
हमने मेल कर दिया।